हेलो बरौनी बेगूसराय पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय उन्नत तकनीक से युक्त 550 करोड़ की लागत से बनी पेप्सी वाटलिंग प्लांट वरुण बेवरेजेस लिमिटेड बरौनी बेगूसराय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के आते ही चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जवानों ने मुस्तैदी से अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात दिखे। प्लांट के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर लगे शिलापट का अनावरण उपरांत फीता काटकर दोनों नेता ने करीब आधा घंटा तक अन्य पदाधिकारियों के साथ प्लांट के अंदर भ्रमण किया। कुछ पल रुकने के बाद पुनः हेलीपैड पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर पर सवार होकर दोनों नेता रवाना हो गए। वहीं उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का कहना है कि बरौनी पेप्सी प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर DIG बेगूसराय रेंज के सत्यवीर सिंह, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, आरक्षी अधीक्षक योगेंद्र कुमार, DDC सुशांत कुमार, ADM सुरेंद्र प्रसाद सिंह, कई थानों के थाना अध्यक्ष सहित सुरक्षा बल तैनात थे। इस अवसर पर सदर SDO रामानुज प्रसाद सिंह, सदर DSP अमित कुमार, हेडक्वार्टर DSP निशित प्रिया, OSD सचिदानंद सुमन, बरौनी BDO वीरेंद्र कुमार सिंह, बरौनी CO सुजीत सुमन, MO दीपक भारद्वाज, सभी अनुमंडल के SDO, DSP, सभी इंस्पेक्टर, जिले के सभी थाना प्रभारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। BNP न्यूज के लिए तेघड़ा से संवाददाता मिराज आलम की रिपोर्ट। पिछले वर्ष फरवरी में और उसके बाद जो काम शुरू किया इतने कम समय में उन्होंने पूरा का पूरा सब चीज का निर्माण कार्य चार तरह का शुरू कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बारे में डिटेल तो ये लोग आपको बताएंगे, लेकिन हमने एक एक चीज को देख लिया है, बहुत अच्छा है। और न सिर्फ यहाँ यूज करेंगे बल्कि इतना बढ़िया ये बना रहे हैं कि लोग बिहार के बाहर भी इसको बिल्कुल बिल्कुल सब जगह जाएगा, तो ये बड़ी चीज है। और सचमुच बिहार में इस तरह का उद्योग पहली बार स्थापित हुआ है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और इसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं और माननीय मंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूँ, किसी काम में लगातार लगे हुए हैं और इसी तरह से और ज्यादा भी जो काम हो सकता है उसमें और लगे हुए हैं। बिल्कुल, हम लोग उद्योग वाले में तो आप जानते हैं शुरू से लगे हुए थे, लेकिन जो हम लोग नियम और कानून चाहते थे उस समय, जो 7, 8, 9 की बात है, उस समय के केंद्र सरकार ने नहीं दिया, तो धीरे धीरे बेकार हुआ। हम लोग तो कहते ही रहे, हर तरह का प्रमोशन हम लोग देना चाहते थे, लेकिन बाद में जब ये हो गया, उन लोगों ने परमिशन दे ही दिया, और तब जब शुरू हुआ है, तब देख रहे हैं ना किस तरह से शुरुआत हो गया है। अब उसी में जो ये बता देंगे आपको कितना 17 हो गया है, इथेनॉल का। अब आप सोच लीजिए कि एथेनॉल वाला हम लोग कब चाहते थे, आप लोगों को तो मालूम ना भाई, 7-8 उसी समय से हम लोग चाह रहे थे। और कैसा बड़ा प्रस्ताव आया था, 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रस्ताव आया था। उस समय लग रहा था कि कितनी बड़ी बात है, लेकिन उस समय सरकार ने नहीं माना, दो अलग बात है, लेकिन अभी की सरकार ने तो इसको पूरे देश के लिए शुरू किया था। तो हम लोगों के अभी एथेनॉल बहुत तेजी से हो रहा है, तभी बता देंगे आपको मंत्री जी। 17 जगह का तो स्वीकृति हो गया था, 17 का लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना का हो गया, 17 का हो गया स्वीकृति, अभी हम लोग और ज्यादा में लगे हुए, तो सब होगा। तो उद्योग देखिए बहुत बढ़ेगा हम लोगों का, और सबसे बड़ी बात है कि आज कितना बढ़िया बना है। अच्छा होगा कि जरा एक बात हम आपसे आग्रह करेंगे, ये सब जो जर्नलिस्ट है ना जी, इन जर्नलिस्ट को भी एक व्यक्ति से, एक दो लोगों से दिखवा दीजिए, जरूर दिखवाएंगे, जरूर दिखवा दीजिए कि क्या क्या चीज़ आप लोग जो जो देखना चाहेंगे, हम आपको भी जरा फोटोग्राफ लीजिए और एक एक चीज को देख लीजिएगा, तो बहुत अच्छा होगा और इसकी जानकारी भी और बेहतर ढंग से लोगों को मिल जाएगी। जी बिल्कुल, इसलिए आप लोग भी आए हुए हैं सब, आप लोगों को भी इसके लिए धन्यवाद है।